हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली, कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती 2022 है। दोस्तों कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा निकाली गई है। दोस्तों आज प्रेस नोट जारी किया, 3 तारीख यानी आज ये प्रेस नोट अभी जारी हुआ है हाल ही में। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर वीडियो को देखने को मिलेगी दोस्तों ये। तो दोस्तों कितने पदों पर है ये वैकेंसी, कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 144 और अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पे 45 कुल 189 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों ये 189 पदों पर ये भर्ती है। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया क्या है, दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, SOSID के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों SOSO पोर्टल पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल मांगी गई है वहाँ लॉगिन करके आपको, अगर आपके SOSID नहीं बनी तो सबसे पहले आपको SOSID बनानी है। उसके बाद जो भी वहाँ पे डिटेल मांगी गई है, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मार्च सेकेंडरी की मार्कशीट, समकन परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडिया, वितरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID वितरण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में तथा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि, तो इन त्रुटि के पहले ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको पहले इसमें करवा लेना चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट करने का, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ लेना है क्या है निर्देश दिए गए। आवेदन के परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, दोस्तों परीक्षा शुल्क है जनरल कैटेगरी का 450 रुपये है। दोस्तों जनरल सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के 450 रुपये, नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपये, और बाकी कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम, अनुसूचित जाति जनजाति इनके 250 रुपये यहाँ पे है। तो दोस्तों ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। प्रवेश पत्र आपको बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थी की बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पत्र प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी नहीं किए जाएंगे। बोर्ड की प्रवेश वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र बोर्ड से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा CSC पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों में एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य में करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से किया जा सकता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा सकता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना जैसे कि भी मामला हो। तो यहाँ पर ये जो निर्देश दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अन्य योग्यता यहाँ पर स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में दिया गया है, यहाँ पर प्रेस नोट में आप पढ़ लेना दोस्तों। और यहाँ पर आयु के बारे में बात करें तो आयु है आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका तथा 40 वर्ष का नहीं हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए नई भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती की आयु में की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।
आयु में छूट के बारे में ये सब कुछ आप प्रेस नोट में देख लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, परीक्षा शुल्क और जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है दोस्तों प्रवेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 7/6/2022 से 6/7/2022 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। 7 जून से आवेदन स्टार्ट है और ये 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 7 जून से 6 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाएगी कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का परीक्षा का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। लास्ट डेट से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है दोस्तों। परीक्षा का माह एवं दिनांक, कनिष्ठ अभियंता कृषि के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर इसकी एग्ज़ाम डेट है और 7 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन है। लास्ट जो है 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल में दी गई है, आप कैसे आवेदन करना है ये सारी जानकारी आप इसमें प्रेस नोट में पढ़ सकते हैं। प्रेस नोट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसका लिंक आप टेलीग्राम का वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। RSSMB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ से आप इस प्रेस नोट को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 189 पदों पर ये भर्ती है दोस्तों। 7 जून से आवेदन है, 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आप इसका समय सीमा पर इसका फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों। परीक्षा की जो डेट है वह 10 सितंबर यहाँ पर रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता कृषि के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, कृषि अभियंता के पदों पर हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा जल्दी इसकी। तो दोस्तों जो सिलेबस की बात करें, जो स्कीम है, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी आज जारी हुई है, 3 तारीख को इसका प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया। अब इस प्रेस नोट को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल से सारी जानकारी दी गई। मैंने शॉर्ट के अंदर आपको सारी जानकारी दे दी है। 189 पदों पर यह भर्ती है दोस्तों। 7 जून से इसके आवेदन है, 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और क्या कहते हैं 10 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। जो भी इसका जो सिलेबस होगा वो बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।